हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आरएस साइंस क्लासेस इस चैनल पर। तो आज हम लोग इसमें स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्डोगोनियम। ठीक है, जो आपका ऑर्डोगोनियम एक अलगी है, ठीक है, जो क्लास क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आता है। तो इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपका जो आपका बिहार यूनिवर्सिटी है, ठीक है, BRAB यूनिवर्सिटी, उसमें क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है कि ऑर्डोगोनियम में रिप्रोडक्शन जो होता है उसको आपको डिस्क्राइब करना रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है इसको जान लीजिए। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन इन ऑर्डोगोनियम, या ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्डोगोनियम, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गिव एन इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ नैन एंड्रस स्पीसीज ऑफ ऑर्डोगोनियम। चलिए आइए हम लोग ऑर्डोगोनियम क्या है और कौन से क्लास, ऑर्डर, इसका फैमिली क्या है, जीनस क्या है, इसको पहले हम लोग जानते हैं। तो देखेंगे जो हमारा ऑर्डोगोनियम अलगी है, जो कि क्लास क्लोरोफाइसी में आता है, जो क्लोरोफाइसी के अलगी होते हैं सभी ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर इसका हो गया ऑर्डोगोनेसी, इसका ऑर्डर देखिए ऑर्डोगोनियल्स हो गया। ठीक है, और फैमिली की चर्चा करते हैं। तो इसका फैमिली जो है आपका देखिए फैमिली इसका हो गया ऑर्डोगोनियेसी। ठीक है, तो जो हमारा ऑर्डोगोनियम अलगी है, जो कि क्लास क्लोरोफाइसी ऑर्डर में आता है, क्लास क्लोरोफाइसी और ऑर्डर इसका ऑर्डोगोनियल्स है, और इसका फैमिली जो है ऑर्डोगोनियेसी है। ठीक है, अब बात करें ही हम लोग ऑर्डोगोनियम के जीनस की, तो ऑर्डोगोनियम का जो जीनस होता है यह ऑर्डोगोनियम ही होता है। ठीक है, आपका जीनस जो है ऑर्डोगोनियम है, फैमिली इसका ऑर्डोगोनियेसी है, और इसका ऑर्डर जो है ऑर्डोगोनियल्स है, और क्लास क्लोरोफाइसी के अंतर्गत जो है ये आने वाला अलगी है। जो फ्रिस के द्वारा जो है अलगी का 11 क्लासिफिकेशन किया गया था, उसी में से जो फर्स्ट नंबर क्लास है वह क्लास क्लोरोफाइसी ही है। तो क्लास क्लोरोफाइसी के अंतर्गत ही आपका ऑर्डोगोनियम आता है। ठीक है, तो चलिए, और उनका एक बुक भी था द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द अलगी 1935, इसको भी आप लोग इस वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, फ्रिस क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी, उसे भी आप लोग देख लेंगे तब अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बात करें इसके ऑकरेंस का, मतलब इसके प्राप्ति स्थान का। ठीक है, तो ऑकरेंस देखिए इसका, ऑर्डोगोनियम इज ए फ्रेश वाटर अलगा, जो ऑर्डोगोनियम है यह फ्रेश वाटर में रहने वाला अलगा है। आप लोग जानते हैं कि जो अलगा होता है, एल्गी होता है, वह फ्रेश वाटर में रहता है और मैराइन वाटर, बोथ, दोनों में रहता है। बट जो ऑर्डोगोनियम अलगी है, जो क्लास क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आता है, तो और जिसका ऑर्डर ऑर्डियोगोनियल्स है, और फैमिली ऑर्डियोगोनियेसी है, और जीनस ऑर्डोगोनियम है। ठीक है, ऐसे बार बार रिपीट होने से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डोगोनियम इज ए फ्रेश वाटर अलगा दैट ग्रोज इन क्वाइट वाटर। ठीक है, अजीबली attached to other plants as upon the leaves and petals of aquatics। जो ऑर्डोगोनियम होता है यह फ्रेश वाटर अलगा है। ठीक है, और कहाँ ग्रोज करता है, तो क्वाइट वाटर में, अजीबली attached to other plants, जो अजीबली जो है यह attached रहता है कभी कभी plants, other plants पर, और leaves and जो भी petal होते हैं, ठीक है, उस पर, aquatics। ठीक है, तो हो गया हम लोग का ऑर्डोगोनियम कि इसका ऑकरेंस कहाँ है, प्राप्ति स्थान कहाँ है, तो हम लोग जान गए कि फ्रेश वाटर में रहता है। ठीक है, और प्लांट के साथ भी अटैच्ड रहने का काम करता है, और जो लीव्स होती है एक्वेटिक जो भी होते हैं प्लांट्स, तो उनके पेटल्स भी जो होते हैं पेटल्स, तो उनके पेटल्स में भी रहने का जो है ये काम करता है ऑर्डोगोनियम। तो आइए अब इसके थैलस के बारे में जानते हैं। तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो भी अलगी होता है, तो अलगी का जो बॉडी होता है उसमें ना ही रूट होता है, ना लीफ होता है, रूटलेस होता है, लीफलेस होता है, स्टेमलेस होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग थैलवाइड बोलते हैं। तो जो ऑर्डोगोनियम है, इसका भी स्ट्रक्चर जो होता है कुछ ऐसे ही होता है, इसमें
थैलस होता है। तो आइए चलिए इसके थैलस को हम लोग जानते हैं। द प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ फिलामेंटस अनब्रांच्ड थैलस होता है इसमें, ठीक है। अनब्रांच्ड थैलस होता है मतलब बिना ब्रांच का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होगा उसका, बिना ब्रांच का जो है उसका थैलस होता है ओडोगोनियम का, ठीक है। ऑफ सिलिंड्रिकल सेल्स अरेंज एंड टू एंड, और जो सिलिंड्रिकल सेल्स होता है वह एंड टू एंड जो है अरेंज रहता है। अजीवली द बेसल सेल इज मॉडिफाइड इनटू ए होल्ड फास्ट, और अजीवली जो है बेसल सेल जो होता है वो कभी कभी मॉडिफाइड हो जाता है और होल्ड फास्ट इनटू ए होल्ड फास्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो देखेंगे चूँकि BRVU यूनिवर्सिटी में बॉटनी जो पेपर वन है उसी में स्टडी करना है, इसलिए यहाँ पर बॉटनी फर्स्ट लिखा गया है, ठीक है। चलिए अब इसके सेल स्ट्रक्चर को जानते हैं। जो ओडोगोनियम जो है अलगी है जिसका क्लास क्लोरोफाइसी है, और ऑर्डर ओडोगोनियल्स है, फैमिली और फैमिली इसका जो है, इसका जो फैमिली है वो आपका ओडोगोनियेसी है, और जीनस इसका ओडोगोनियम है। तो आइए सेल स्ट्रक्चर को देखते हैं जो हमारा ओडोगोनियम है। तो इसका सेल स्ट्रक्चर की चर्चा करें हम लोग, तो इसको देखिए क्या लिखता है। इसमें लिखा गया है द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द फिलामेंट आर इन इलोंगेटेड एंड सिलिंड्रिकल, ठीक है। वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द फिलामेंट आर इलोंगेटेड एंड सिलिंड्रिकल। ईच सेल इज प्रोवाइडेड विद ए थ्री लेयर्ड थिक वॉल इनर, ठीक है, सेलुलोजिक, मिडिल पेक्टिक एंड आउटर काइटिनस, ठीक है। तो इसका प्रत्येक जो सेल होता है क्या उसमें थ्री लेयर जो है प्रोवाइड कराता है। थिक वॉल जो है पहला है इनर सेलुलोसिक, उसके बाद है दूसरा मिडिल पेक्टिक, ठीक है, एंड आउटर जो है काइटिनस होता है, ठीक है। अब चलिए अजीवली द इंटर कैलरी सेल्स सो एन एपिकल वेसल पोलैरिटी, ठीक है। जो इसका इंटर कैलरी सेल्स होता है वो क्या शो करता है, तो एपिकल वेसल पोलैरिटी को शो करता है। प्रेजेंस ऑफ कैप्स एट द डिस्टल एंड ऑफ द सेल इज मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ओडोगोनियम फिलामेंट। द सेल्स आर अन इन्यूक्लिएट, ठीक है, ऐसे बोलिए यूनी न्यूक्लिएट होता है। द सेल्स आर यूनी न्यूक्लिएट विद ए सेंट्रल वैक्यूल कंटेनिंग सेल सैप एंड रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट हैविंग मेनी पायरिनोइड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सीथ ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल्स इज प्रेजेंट अराउंड ईच पायरिनोइड, ठीक है। ए सीथ जो होता है स्टार्च ग्रेन्यूल्स इज प्रेजेंट अराउंड चारों ओर ईच पायरिनोइड, प्रत्येक पायरिनोइड के। द क्लोरोप्लास्ट कंटेंस माइक्रोटिब्यूल्स विच आर कंसिडर्ड टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द मैसिव क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट नीचे जो इसका दिया गया है स्ट्रक्चर इसे देखते हैं हम लोग। तो देखिए ओडोगोनियम का सेल स्ट्रक्चर दिया गया है, और बी नंबर में सिक्वेंशियल स्टेजेज ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कैसे होता है उसके सिक्वेंशियल जो है स्टेजेज को दिया गया है। तो भाई सबसे पहले ओडोगोनियम के सेल स्ट्रक्चर को देखते हैं जो ए नंबर फिगर में दिया गया है, कैपिटल ए नंबर फिगर में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्स बोलते हैं, ठीक है। और ए वाला जो बाहरी लेयर है यहाँ पर दिख रहे होंगे आप लोग इसको कुछ ऐसे, ठीक है। ए वाला जो बाहरी लेयर है इसको कॉल वाल इसमें गलत लिख दिया है, सेल वाल है, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है ये आपका साइटोप्लाज्म होता है। कोई भी सेल है तो सेल के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट है, क्या है, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट है अंदर इसका, ठीक है, ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट है। और इसके यहाँ पर इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ओडोगोनियम सेल को जब देखा जाता है। और यहाँ वाला जो ए वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, पायरिनोइड बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए सिक्वेंशियल स्टेजेज ऑफ सेल डिवीजन कैसे होता है इसमें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर
ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर विंग है, ठीक है, न्यूक्लियस है और ऊपर विंग दिखाई दे रहा है। और उसके बाद क्या होता है, ए नंबर फिगर हो गया और बी नंबर फिगर हो गया। सबसे पहले न्यूक्लियस रहता है, उसके बाद यहाँ पर रिंग बनता है, उसके बाद सी नंबर जो है फिगर में देखिए यहाँ पर माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो है इसका फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है डी नंबर फिगर में देखिए, इसमें न्यू लैटरल वाल आ जाता है। और उसके बाद ई नंबर, और यहाँ पर ओल्ड कैप होता है और यहाँ पर नीचे जो है न्यू कैप होता है, ठीक है, यहाँ पर ओल्ड कैप और यहाँ पर न्यू कैप आ जाता है। उसके बाद क्या होता है ई नंबर फिगर में देखिए, सेप्टम आ जाता है यहाँ पर। तो सेप्टम आने के बाद उसके बाद मदर सेल और यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो जाता है ये आपका डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। फाइनली सिक्वेंशियल स्टेजेज ऑफ सेल डिवीजन ऐसे ही ओडोगोनियम में देखा जाता है, ठीक है। चलिए ये हमारा अलगी ओडोगोनियम का जो है हम लोग क्वेश्चन रिप्रोडक्शन इन ओडोगोनियम इसी के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है, कि कैसे इसमें होता है। तो आइए चलिए रिप्रोडक्शन इन ओडोगोनियम जो मेन टॉपिक है इसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है रिप्रोडक्शन इन ओडोगोनियम, ठीक है, इसी पर हम लोग को चर्चा करना है रिप्रोडक्शन इन ओडोगोनियम पर। देखिए रिप्रोडक्शन इन ओडोगोनियम, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देखिए, इट इज अजीवली प्रोपागेटेड वेजिटेबली बाई फ्रैगमेंट्स बट समटाइम्स एकाइनिट्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड, ठीक है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस इच सेल ऑफ द फिलामेंट में डेवलप ए थिक वॉल्ड एकाइनेट बाई राउंडिंग ऑफ इट्स साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स। तो इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो दिया गया है कैजुअली प्रोपागेटेड वेजिटेबली बाई फ्रैगमेंट्स बट समटाइम्स एकाइनेट्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड। इसमें जो होता है प्रोपागेट वेजिटेबली भी हो जाता है, तो प्रोपागेट वेजिटेटिवली भी हो जाता है बाई फ्रैगमेंट्स के द्वारा, लेकिन समटाइम्स एकाइनेट्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड, लेकिन कभी कभी समटाइम्स जो होता है एकाइनेट्स के फॉर्म्ड में भी सभी होते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाता है, तो इच सेल ऑफ द फिलामेंट में डेवलप ए थिक वॉल्ड, उसमें थिक वॉल्ड को जो है डेवलप कर लेता है एकाइनेट बाई राउंडिंग ऑफ इट्स साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स। और जो इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स होता है उसके राउंडिंग जो है ये ऑफ एक हो जाता है। अब देखिए इसमें ओडोगोनियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जानते हैं हम लोग कि ओडोगोनियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो जान गए कि ओडोगोनियम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बारी है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग जानते हैं। चलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, इट इज़ बाई फॉर्मेशन ऑफ मल्टी, ठीक है, फ्लैजिलेट जूस्पोर्स। इसमें क्या होता है तो मल्टी फ्लैजिलेट जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है के द्वारा, ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इट इज़ बाई फॉर्मेशन ऑफ मल्टी फ्लैजिलेट जूस्पोर्स के द्वारा, इसमें उसके फॉर्मेशन होने के बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद लिखा गया है इन ऑर्डोगोनियम एनी वेजिटेटिव सेल हैविंग कैप सेल्स मे बिकॉम ए जूस्प्रॉन्जियम। जो ओडोगोनियम है इसमें जो भी कोई भी वेजिटेटिव सेल है हैविंग कैप सेल्स जो होता है में बीकॉम में जूस्प्रॉन्जियम होता है। द प्रोटोप्लास्ट राउंड अप इनटू ए सिंगल जूस्पोर विच अटेन्स मोटालिटी बाई मीन्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स क्राउन ऑफ फ्लैजिला एट द एंटीरियर एंड विच कम्स आउट फॉर्म ए रिंग ऑफ बेसल ग्रेन्यूल्स। जो भी ओडोगोनियम है तो ओडोगोनियम का यहाँ पर जो दिया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो द प्रोटोप्लास्ट राउंड्स अप इनटू ए सिंगल जूस्पोर, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट के राउंड में जो है सिंगल जूस्पोर होता है विच अटेन्स मोटालिटी, और मोटालिटी को अटेन्स करता है बाई मीन्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स क्राउन ऑफ फ्लैजिला। ऐसे कहा जा सकता है कि वह फ्लैजिला का क्राउन है एट द इंटीरियर एंड विच कम्स आउट फॉर्म ए रिंग ऑफ बेसल ग्रेन्यूल्स, और जो बेसल ग्रेन्यूल्स का रिंग है। अब नेक्स्ट देखिए लिखा गया है कि आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द जूस्पोर्स द सेल वॉल
नियर द कैप रीजेंस ओपन ए पार्ट एंड द सिंगल ज्यूस्पोर कम्स आउट इन ए म्यूकिलेजिनस ठीक है वेजाइकल विच सून डिजॉल्व्स। तो बताया है उसके बाद डेवलप हो जाता है ज्यूस्पोर और सेल वाल के नज़दीक कैप रीजेंस। और अभी ऊपर के स्ट्रक्चर में कैप रीजेंस भी आप लोग देखे हैं, कैप देखे हैं, रिंग देखे हैं, कैसे उसमें सेल डिवीजन होने जा रहा था ओडोगोनियम में तो दिखाई दे रहा था, बन रहा था। तो ओपन ए पार्ट इन द सिंगल ज्यूस्पोर, सिंगल ज्यूस्पोर जो है यहाँ पर ओपन होता है आउट इन ए म्यूसिलेजिनियस वेजाइकल व्हेन सून डिजॉल्व्स, और जो म्यूसिलेजिनियस वेजाइकल होते हैं उसके बाद जो है विच सून उसके तुरंत जो है डिजॉल्व्स हो जाते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, द जू स्पोर ऑफ ओडोगोनियम इन लार्ज पियर शेप्ड स्ट्रक्चर, जो जू स्पोर होता है ओडोगोनियम का वो बड़ा सा नाशपाती शेप्ड का होता है। नाशपाती कैसे होता है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है नाशपाती का, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर कहिए नाशपाती का, कुछ ऐसे तो होता है ना। तो द जू स्पोर ऑफ ओडोगोनियम, ओडोगोनियम का जो जू स्पोर होता है कुछ ऐसे ही बड़ा सा पियर शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, नाशपाती के आकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। इट इज यूनि न्यूक्लिएट, इट इज यूनि न्यूक्लिएट वन सेल्ड एंड मल्टी फ्लैजिलेट। अब ये जो होता है ओडोगोनियम यूनि न्यूक्लिएट होता है और वन सेल्ड का होता है ठीक है, एक कोशिकीय होता है कहिए वन सेल्ड एंड मल्टी फ्लैजिलेट्स, और उसमें बहुत सारे जो है फ्लैजिलेट्स होते हैं ठीक है, उसमें बहुत सारा जो है फ्लैजिला जो है निकला हुआ रहता है ठीक है। अब उसके बाद देखिए कह रहा है इट्स एंटीरियर एंड इज स्लाइटली पॉइंटेड एंड हायलिन, ध्यान देंगे यहाँ पर कि कह रहा है कि इसका इंटीरियर एंड जो है स्लाइटली पॉइंटेड होता है एंड हायलाइन होता है ठीक है। द जू स्पोर एस्केप्स फ्रॉम द जू स्पोंजियम एंड स्विम्स अवे रिटेनिंग ठीक है, रिटेनिंग मोर्टालिटी फॉर ओनली ए शॉर्ट टाइम ठीक है। इसको देखिए ध्यान से कि द ज्यूस्पोर एस्केप्स फ्रॉम द ज्यूस्पोंजियम एंड स्विम्स अवे रिटेनिंग मोर्टालिटी फॉर ओनली ए शॉर्ट टाइम, सून इट कम्स टू रेस्ट लूजेस इट्स फ्लैजिला एंड ग्रोज इनटू ए न्यू फिलामेंट, द बेसल सेल फॉर्म्स द ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट होल्ड फास्ट ऑफ द न्यू प्लांट ठीक है। जैसे ही बेसल सेल्स फॉर्म्स होता है द ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट, अटैचमेंट मतलब होल्ड फास्ट जल्दी से पकड़ता है अटैचमेंट करने के लिए ऑफ द न्यू प्लांट को, न्यू प्लांट को। तो ऐसे इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे देखा जाता है ओडोगोनियम में। तो देख सकते हैं फिगर में पूरा बताया है, क्या बताया है ओडोगोनियम तो अलग ही है, अभी तो हम लोग स्ट्रक्चर कर ही रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ओडोगोनियम या एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ओडोगोनियम या ऐसे भी लाइफ साइकिल को देख रहे हैं हम लोग नैन एंड्रस स्पीसीज ऑफ ओडोगोनियम का, ऐसे ऊपर तो देखबे कि आप लोग क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा था ऐसे ही। तो देखिए कैसे इसमें ओडोगोनियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके पूरे जो है कहिए तो लाइफ साइकिल को जो है यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू जो है अरेंज करके पूरा को पूरा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ओडोगोनियम में जो क्लास क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आता है, और ऑर्डर इसका ओडोगोनियल्स है, फैमिली इसका ओडोगोनियसी है और जीनस ओडोगोनियम है ठीक है। ऐसे बार बार हम बता रहे हैं इसके ऑर्डर को, फैमिली को, जीनस को, ताकि इसको आपको दोबारा रटना ना पड़े और आसानी से ओडोगोनियम का क्लास याद हो जाए। क्लोरोफाइसी है ओडोगोनियम का, एक बार बोलिए क्लास क्या है ओडोगोनियम का, क्लोरोफाइसी है। ऑर्डर क्या है ओडोगोनियम का, ओडोगोनियल्स है। फैमिली क्या है ओडोगोनियम का, तो ओडोगोनियसी है। और जीनस क्या है ओडोगोनियम का, तो जीनस आपका ओडोगोनियम ही है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे और याद रखेंगे। चलिए जल्दी से फटाफट इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ए नंबर कहाँ है खोजिए, इसमें यहाँ है ए नंबर, तो यहाँ से हम लोग समझना शुरू करेंगे। और एरो का निशान चूँकि इधर बनाया है तो इधर से हम लोग समझते चलेंगे ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सेल वाल है ठीक है, इसको और छोटा करना पड़ेगा। ए वाला स्ट्रक्चर सेल वाल है और उसके नीचे जो है पायरिनोइड है, उसके नीचे क्लोरोप्लास्ट है
और यहाँ पर वाला स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है, ये होल्ड फास्ट है। और इसके एरो मारेंगे तो इधर कैप है, ये आपका जू एस्प्रोन्जियम है बी नंबर वाला, और जैसे ही इसके नीचे सी नंबर में आएंगे इमर्जिंग जू स्पोर है यहाँ पर, ठीक है। और जस्ट उसके नीचे एरो देकर के देखिए यहाँ पर वेजाइकल है और जू स्पोर है, ठीक है। अब उसके बाद देख सकते हैं पियर सेप्ट, उधर नहीं पढ़े थे आप लोग, तो इसका जू स्पोर निकला पियर सेप्ट, लार्ज पियर सेप्ट। और उसके बाद इधर देखिए जर्मिनेटिंग जू स्पोर है, उसका फाइनली जी नंबर में देख सकते हैं कैसे जी नंबर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं जर्मिनेशन ऑफ जू स्पोर हो रहा है। ओडोगोनियम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ए नंबर जो स्ट्रक्चर है वो फिलामेंट का स्ट्रक्चर है। क्या चीज़ के फिलामेंट का स्ट्रक्चर है, तो ओडोगोनियम के फिलामेंट का स्ट्रक्चर है। बी नंबर जो है जू एस्प्रोन्जियम का स्ट्रक्चर है, ये जू एस्प्रोन्जियम का स्ट्रक्चर है। और जो हमारा सी नंबर और डी नंबर है, ये दोनों सी नंबर और डी नंबर, तो ए वाला जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। तो सी नंबर और डी नंबर जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये हमारा कौन सा है, तो लाइब्रेशन ऑफ जू स्पोर का जो है कहिए इसमें बताया गया है, ठीक है। और ई नंबर में जो है ए जू स्पोर, जू स्पोर है पियर सेप्ड का है, लार्ज पियर सेप्ड का। और एफ से जी नंबर मतलब ए वाला, ए दोनों वाला साइकिल, ए दोनों वाला फोटो स्ट्रक्चर, तो ये जर्मिनेशन ऑफ जू स्पोर, कैसे जू स्पोर का जर्मिनेशन होता है तो यहाँ पर हम लोग देख लिए। तो फाइनली हमारा ओडोगोनियम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो भी लाइफ साइकिल है इस डायग्राम के थ्रू आसानी से हम लोग समझ गए, और परिभाषा सारा इसी में है, ठीक है। परिभाषा जो होता है डायग्राम को देख करके ही लिखा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। थ्री नंबर देखिए चलिए थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। चलिए लिखा गया है इसमें, क्या लिखा गया है देखिए, लिखा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम लोग जान गए, उसके पूरे साइकिल को भी जान गए ओडोगोनियम में, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है देखते हैं हम लोग। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगैमस, ओडोगोनियम में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगैमस विद द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नॉन मोटाइल एग्स एंड स्मॉल मोटाइल स्पर्म। इसमें जो है एक नॉन मोटाइल एग्स होता है, लार्ज होता है, और स्मॉल मोटाइल जो है इसमें स्पर्म निकलता है, ठीक है। चूँकि ये मानव का ऐसे हम बनाए हैं स्ट्रक्चर, उनके जो भी गैमिट होते हैं, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए अब देखिए द ओडोगोनियम स्पेसिस में बी डिवाइडेड इनटू मैक्रेंडस, ठीक है, मैक्रेंड्रस, ठीक है। और टू नंबर है नैनड्रस, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं नैन एंड्रस मैक्रेंड्रस, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि फर्स्ट नंबर वाला क्या है, तो मैक्रेंड्रस विद एंथ्रीडिया प्रोड्यूस्ड, ठीक है, विद एंथ्रीडिया प्रोड्यूस्ड ऑन रेगुलर साइज्ड फिलामेंट्स, ठीक है। और जो नैन एंड्रस है उसको देखते हैं विद एंथ्रीडिया प्रोड्यूस्ड ऑन स्पेशल ड्वार्फ फिलामेंट्स। द मैक्रेंड्रस स्पीसीज में भी होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक। जो मैक्रेंड्रस स्पीसीज है वो क्या हो सकता है, होमोथैलिक भी हो सकता है और हेट्रोथैलिक भी हो सकता है। होमोथैलिक मतलब सभी का थैलस एक ही के समान, हेट्रोथैलिक मतलब डिफरेंट अलग अलग तरह के थैलस। तो चलिए मैक्रेंड्रस स्पीसीज को जानते हैं हम लोग एंथ्रीडिया। तो मैक्रेंड्रस स्पीसीज एंथ्रीडिया, इन मैक्रेंड्रस स्पीसीज एनी वेजिटेटिव सेल में फंक्शन एज एंथ्रीडियल मदर सेल दैट प्रोड्यूसेस ए चेन ऑफ एंथ्रीडिया। इच एंथ्रीडियम इज ए शॉर्ट सिलिंड्रिकल सेगमेंट ऑफ द फिलामेंट एंड द कंटेंट ऑफ एन एंथ्रीडियम प्रोड्यूसेस टू मोटाइल स्पर्म्स। दीज स्पर्म्स आर रिलीज्ड इन वाटर बाय द रिपर्चर ऑफ एंथ्रीडियल वाल।
द लाइब्रेटेड स्पर्म्स वी स्विम फ्रीली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर फ्लैजिला। इच स्पर्म एंथ्रोजॉइड इज ए स्मॉल ओवॉइड और पायरीफॉर्म स्ट्रक्चर हैविंग ए सिंगल न्यूक्लियस एंड मेनी फ्लैजिला एट इट्स एंटीरियर एंड। तो फाइनली हमारा जो एंथ्रीडिया है, तो एंथ्रीडिया का जो जिसको माइक्रोएंड्रस स्पीसीज कहा जाता है, तो इसके बारे में हम लोग जान गए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नीचे क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर दिया गया है ओगोनिया, ओगोनिया जो होता है इसमें, तो ओगोनिया फ्लैजिलेट इट्स इंटीरियर इन ओगोनिया। डेवलपमेंट ऑफ ओगोनियम इज सिमिलर इन बोथ मैक्रेंड्रस एंड नैन एंड्रस फॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तुरंत इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। द ओगोनिया आर हाईली डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिनेट फॉर्म ए वेजिटेटिव सेल विच बाय डिवीजन फॉर्म्स टू सेल्स द बेसल वन बिकमिंग द सपोर्टिंग सेल ऑफ द ओगोनियम प्रॉपर। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द ओगोनियम बिकम्स द फीमेल गैमेट। ठीक है, जो हमारा ओगोनिया है तो हाईली डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर होता है इसका, एंड ऑरिजिनेट फॉर्म ए वेजिटेटिव सेल, और जो ओरिजिनेट फॉर्म होता है वेजिटेटिव सेल विच बाय डिवीजन फॉर्म्स टू सेल्स द बेसल वन बिकमिंग द सपोर्टिंग सेल। ठीक है, वन जो सपोर्टिंग सेल होता है ऑफ द ओगोनियम जो है प्रॉपर उसमें हो सके। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द ओगोनियम बिकम्स द फीमेल गैमेट। जो प्रोटोप्लास्ट होता है ओगोनियम का, उसके पहले वह फीमेल गैमेट होता है। द एग इज नॉन मोटाइल। इसका जो एग होता है, जो लार्ज होता है एग होता है और स्मॉल इसका स्पर्म होता है, तो एग जो होता है वह नॉन मोटाइल होता है। शुरू में ही हम लोग जाने हैं इसका ओगोनियम का। उसके बाद एंड रिमेंस विद इन द ओगोनियम विच ब्रेक्स एट मैच्योरिटी नियर द रीजन ऑफ द सो कॉल्ड रिसेप्टिव स्पॉट। ठीक है, रिसेप्टिव स्पॉट। द मोटाइल स्पर्म, जो मोटाइल स्पर्म होता है चल शुक्राणु जो होता है, द मोटाइल स्पर्म अप्रोचेज पहुंचता है द ओगोनियम एंड इज रिसीव्ड इन ए बाइट ऑफ प्रोटोप्लाज्म दैट प्रोट्रडेस। ठीक है, प्रोट्रडेस फ्रॉम द रिसेप्टिव स्पॉट। अब नीचे कुछ डायग्राम दिया हुआ है डिफरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय में क्या क्या होता है, इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं। तो देखेंगे ये हमारा न्यूक्लियस है। सबसे पहले ए नंबर फिगर से शुरू करते हैं। ये ओगोनियम का थैलस लाइक बॉडी है, तो ओगोनियम का ये थैलस लाइक बॉडी है। ठीक है, और इसका यहाँ वाला जो स्ट्रक्चर है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और यहाँ पर पोर होता है, यहाँ पर रिसेप्टिव स्पॉट होता है, और इसके जस्ट इस साइड जो है दिखाई दे रहा है इसको ओगोनियम बोलते हैं। यह हमारा फाइनली ओवम है, जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ओवम है, और ये एंथ्रीडिया है। यहाँ वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपका एंथ्रीडिया है, और ये आपका नैन एंड यहाँ वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको पोर बोलते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये ओगोनियम स्ट्रक्चर है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है हम लोग का एंथ्रीडियल मदर सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। एक ही फिगर को जो है, नेम को जो है एक ही बार दर्शा दिया है। तो ए नंबर फिगर तो हम लोग देख गए, अब बी नंबर फिगर को देखिए। ऐसे भी देखें इसको, न्यूक्लियस है, ओवम है, पोर है, रिसेप्टिव स्पॉट है, ओगोनियम है, ए वाला भी ओगोनियम है। सी नंबर ऑफ फिगर को देखिए। ठीक है, तो ए नंबर वाला फिगर से लेकर के सी नंबर वाला फिगर जो है मैक्रेंड्रस स्पीसीज का है। ठीक है, ए नंबर से लेकर के सी नंबर तक का जो फिगर है ये मैक्रेंड्रस स्पीसीज का फिगर है। ये भी इसमें पोर है, न्यूक्लियस है, ओगोनियम है, और यहाँ पर एंथ्रीडियल है। ठीक है, अब ए से बी तक का फिगर ये क्या है इसको देखते हैं। तो ए नंबर वाला फिगर देख लिए, ठीक है, और बी नंबर वाला फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया इन डायसियस स्पीसीज। जो डायसियस स्पीसीज होते हैं उसमें एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया का फॉर्मेशन होते हुए दिखाया गया है ए नंबर फिगर से लेकर के बी नंबर फिगर तक। देख सकते हैं एंथ्रीडियल मदर सेल है, उसके बाद क्या है ओगोनियम यहाँ पर। ठीक है, और सब दर्शाया गया है।
सी नंबर फिगर को देखते हैं, एंथ्रीडिया एंड डूगोनियम फॉर्मेशन इन मोनोसियस स्पीसीज। सी नंबर फिगर में देखिए जो आपका एंथ्रीडिया है, ठीक है, एंड ओगोनियम फॉर्मेशन को दर्शाया गया है सी नंबर फिगर में केवल, ठीक है, और इन मोनोसियस स्पीसीज, जो मोनोसियस स्पीसीज हैं ओडोगोनियम के। डी नंबर देखिए फिगर, ओडोगोनियम एंड ड्वार्फ मेल सोइंग इन नाइनेंड्रस स्पीसीज। तो डी नंबर फिगर में स्पष्ट दर्शाया गया है आपका फाइनली ओडोगोनियम का स्ट्रक्चर है कैसे, इसमें जो है ओडोगोनियम में ड्वार्फ मेल सोइंग, ठीक है, इन नाइनेंड्रस स्पीसीज। यहाँ पर देख सकते हैं स्पर्म है, ठीक है, मेल गैमिट है, मेल स्पोर कहिए इसमें, प्लांट में स्पोर कहा जाता है। तो ये हो गया स्पर्म, ठीक है, तो ओगोनियम ऑफ ड्वार्फ मेल सोइंग इन नाइनेंड्रस स्पीसीज डी नंबर वाला फिगर है, ठीक है। डी नंबर वाला फिगर में नेम भी देख लीजिए, स्पर्म है, बेसल सेल है, और एक है सफलेटरी सेल है, ठीक है, इन नाइनेंड्रस ड्वार्फ मेल है, ठीक है, नैन एंड्रियम ड्वार्फ मेल है, सॉरी, ये आपका ओडोगोनियम है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नीचे क्या दिया है, लिखा है नाइनेंड्रस स्पीसीज, लिख रहा है नाइनेंड्रस स्पीसीज में कि नाइनेंड्रस स्पीसीज, इन नाइनेंड्रस स्पीसीज द एंथ्रीडिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन ड्वार्फ मेल्स एंड द ओगोनिया डेवलप ऑन नॉर्मल फिलामेंट्स। द ड्वार्फ मेल प्लांट्स नाइनेंड्रस डेवलप इन डिफाइनाइट मैनर फ्रॉम ए पेक्यूलर टाइप्स ऑफ जियोस्पोर कॉल्ड एंड्रोस्पोर। इन दिस केस एनी वेजिटेटिव सेल ऑफ फिलामेंट कैन डिवाइड ट्रांसवर्सली टू फॉर्म ए चेन ऑफ एंड्रोस्पोंजिया। इच एंड्रोस्पोंजियम प्रोड्यूसेज ए सिंगल एंड्रोस्पोर। ए फिलामेंट डैट बियर्स बोथ ओगोनिया एंड एंड्रोस्पोंजिया इज कॉल्ड एज गाइंड्रोस्पोरस, वेयर एज वन दैट बियर्स ओनली एंड्रोस्पोंजिया इज टर्म्ड एज आइडियनो एंड्रोस्पोरस। उसके बाद है कि एंड्रोस्पोरस आर प्रोवाइडेड विद द कैरेक्टरिस्टिक क्राउन ऑफ फ्लैजिला एंड आर मोटाइल। व्हेन लाइब्रेटेड दे स्विम टू द फीमेल फिलामेंट्स वेयर दे अटैच themselves either to the ओगोनियम or in their vicinity the dwarf male। देख सकते हैं plants develop from the endospore forming one or more anthridial cell at its tip and vegetative cell below this each anthridium produces two small motile gamete sperm anthrozoites, ठीक है, anthrozoites which bear the characteristic crown of apical flagella। यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में ओडोगोनियम नाइनेंड्रस स्पीसीज ए नंबर एंड्रोस्पोर फॉर्मेशन इन एंड्रोस्पोंजियम को दर्शाया गया है और बी नंबर फिगर से लेकर के सी नंबर फिगर तक ड्वार्फ मेल ऑन सपोर्टिंग सेल मेकिंग बाय जर्मिनेशन ऑफ एंड्रोस्पोर को दर्शाया गया है। तो देखिए थैलस लाइक बॉडी है ओगोनियम का जो क्लास क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आता है। ऑर्डर इसका ओडोगोनियल्स है, फैमिली ओडोगोनियसी है, जीनस क्या है तो जीनस यही है ओडोगोनियम। बार बार नाम लिया जा रहा है ताकि याद हो जाए इसके पूरे क्लास को, ऑर्डर को, फैमिली को, जीनस को। तो देखेंगे ये आपका वेजाइकल एंड्रोस्पोर है, ये वाला स्ट्रक्चर एंथ्रिड, और ये आपका एंड्रोस्पोंजियम है, ठीक है। अब फिगर नंबर बी में देखिए, फिगर नंबर ए में तो देख लिए, ठीक है, फिगर नंबर बी है बेसल सेल है आपका, ये एंथ्रीडियम है, और ये क्या है तो एंथ्रीडियल मदर सेल है, एंथ्रीडियल मदर सेल है। उसके बाद सी नंबर फिगर में देखेंगे ड्वार्फ मेल है, स्पर्म निकल गया, ओडोगोनियम ओगोनियम है, ठीक है, इसको ओगोनियम बोला जाता है, और आपका एंड्रोस्पोर यहाँ पर निकल गया, ठीक है। तो चलिए फाइनली हम लोग फिगर को सीन कर लिए, देख लिए, आइए चलते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में जानते हैं। इसके हो गया यहीं तक, तो फर्टिलाइजेशन लिखा गया है, फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द सेम इन बोथ, एक होता है मैक्रेंड्रस एंड नाइनेंड्रस स्पीसीज, ठीक है। ए हाइलाइन स्पॉट डेवलप्स इन एक्स जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन विच इज कॉल्ड
रिसेप्टिव स्पॉट द स्पर्म एंथ्रोजिवाइट्स इज अट्रैक्टिव टुवर्ड्स दिस न्यूक्लियस द मेल गैमिट पेनिट्रेट्स द एग एंड फर्टिलाइजेशन इज इफेक्टेड व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म फ्यूजेज विद द न्यूक्लियस ऑफ द एग द जाइगोट डेवलप्स ए हैवी वॉल एंड बिकम्स ए रेस्टिंग सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर को देखते हैं तो फिगर में दिया गया है फर्टिलाइजेशन इन ऑर्डोगोनियम, जो हमारा अलगी है ऑर्डोगोनियम, तो इस अलगी में जो है कैसे फर्टिलाइजेशन होता है इसके बारे में दिया गया है। तो इस स्पर्म इंटरिंग थ्रू फोर ऑफ ऑर्डोगोनियम वॉल, जो ऑर्डोगोनियम होता है तो ऑर्डोगोनियम का जो वॉल होता है और उसके थ्रू जो है स्पर्म जो है उसमें इंटरिंग करता है, प्रवेश करता है। और यहाँ पर फिगर देख सकते हैं, रिसेप्टिव स्पॉट है, ये आपका स्पर्म है और ये जो है आपका क्या है तो ऑर्डोगोनियम वॉल है, इसी के थ्रू जो है स्पर्म इंटरिंग करता है। बी नंबर जो फिगर है हम लोग का, ये फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का कैसे फॉर्मेशन होता है इस फिगर में जो है दर्शाया गया है। तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई, जब मेल न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाता है और फीमेल न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाता है, न्यूक्लियस का जो है प्लूरल है न्यूक्लियाई, तो मेल न्यूक्लियस फ्यूज कर गया और फीमेल न्यूक्लियस फ्यूज कर गया, तो फाइनली हम लोग का क्या प्रोडक्ट बना, तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके बाद, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 36 मिनट का हो गया है। तो देखिए बॉटनी फर्स्ट में स्टडी करना है, बॉटनी फर्स्ट पेपर में देखेंगे। तो यहाँ पर जो है लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्डोगोनियम को दर्शाया गया है, ठीक है, बीच में ऑर्डोगोनियम लिख देना है और उसके बाद क्या करना है देखिए। तो सबसे पहले जो है हम लोग का एकाइनेट्स जूस्पोर, एसेक्सुअल फेज हो गया एकाइनेट्स के द्वारा और जूस्पोर्स के द्वारा। अब आते हैं सेक्सुअल फेज में, तो इसमें हैप्लोइड स्टेज होता है, ठीक है, ओडोगोनियम बनता है और क्या बनता है ओगोनियम लिखा गया है, सॉरी ओगोनियम और जूस्पोर बनता है। उसके बाद एग होता है, एंथ्रिडियम होता है, एंथ्रिजॉइड होता है, ठीक है, और उसके बाद डिप्लोइड स्टेज आता है, उसके बाद क्या है वेस्पोर दिया गया है, ठीक है। तो एरो बनाया गया है इधर से, देखिए ना एक बार और समझा रहे हैं, फर्स्ट एरो बनाया गया है इधर से एंथ्रिडियम एक्स एंथ्रेजवाइट्स, ठीक है, उसके बाद एक्स एक्स हो गया वेस्पोर टू एक्स, उसके बाद डिप्लोइड स्टेज जूस्पोर हो गया एक्स, और फिर जो है डॉट 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 करके बताया गया है इसको, ऐसे ही सेक्सुअल फेज जो है ये चलते रहता है, ठीक है। और इसमें भी उसी तरह सबसे पहले इस तरह एरो बनाया एकाइनेट्स, एकाइनेट्स के बाद ओगोनियम ओडोगोनियम, उसके बाद फिर जूस्पोर, जूस्पोर के बाद क्या हो जाता है ओडोगोनियम, हाई जूस्पोर बन गया, जूस्पोर के बाद ओडोगोनियम, ऐसे फिर इसका लाइफ साइकिल इसी तरह जो है चलते रहता है हमारा ओडोगोनियम अलगी का। आइए जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट को, थोड़ा सा है बचा हुआ इसको देख लेते हैं। तो जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट, चूँकि हमको पहले ही इसको बता देना चाहिए उसके बाद लाइफ साइकिल को बताना चाहिए, ऐसे कोई बात नहीं है। तो जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट को देख लीजिए, बाय डीके और फ्रैगमेंटेशन ऑफ द वेजिटेटिव फिलामेंट द रेस्टिंग जाइगोट वेस्पोर इज सेट फ्री, बट द थिक वॉल्ड सेल मे नॉट जर्मिनेट फॉर ए ईयर और टू, मियोसिस प्रीसेडेस जर्मिनेशन एंड फोर हैप्लोइड जूस्पोर आर फॉर्मड ईच ऑफ विच मे डेवलप इंटू ए मैच्योर फिलामेंटस एडल्ट। तो फाइनली हम लोग का जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट जो है, यहाँ पर हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं, और ये आपका ओडोगोनियम का जो लाइफ साइकिल होता है नैन एंड्रस स्पेसीज का ओडोगोनियम का, इसका जो है हम लोग जान गए, और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन इन ओडोगोनियम और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ओडोगोनियम या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ओडोगोनियम, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन को हम लोग इसमें जान गए। तो चलिए ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ रिप्रोडक्शन इन ओडोगोनियम, फिर अगले जो है टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे नए अलगी के बारे में, और बीएससी बॉटनी एंड जूलॉजी से जुड़े हुए आपको अगर वीडियो चाहिए, आप कर रहे हैं बीएससी बॉटनी या जूलॉजी, तो आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब
और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचे। और जो आपके रिलेटिव में कोई बीएससी कर रहा है, बीएससी बॉटनी या बीएससी जूलॉजी कोई कर रहा है, तो इस चैनल के लिंक जो है उनके पास शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सभी लोगों को जो है इसका लाभ मिल सके, कुछ हेल्प मिल सके स्टडी करने में। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।